मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह, तुसी देख रहे हो अमृत प्रसार। आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करते हैं एक तो बाद दूजी तो बाद तीजी जो वीडियो अमृतपाल सिंह मुखी वारस पंजाब दे आई है, उना विच उसने की सुनेहा अकाल तख्त दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नू दिता है। अते उसने इमें लगदा कि अपने आप नू दिशा निर्देशक स्थापित कर लिया सिख कौम दा। सो इन्हां गल्लां दियां चर्चा करांगे, एनालिसिस करांगे। तीन वीडियो आई हैं अते अपने दर्शकां नाल सांझ पावांगे कि इन्हां दियां वीडियोज़ दा मतलब की आ, मैंने की आ इहदे पिछे धार्मिक ते सियासी की गलबात विचर रही है ते इस उपर चर्चा जारी करन तो पहले मेरी आप जी नू गुजारिश है तुसी इस चैनल नू सबसक्राइब करो, इस दा बैल आइकन बटन भी दबाओ अते इस दी सुझाव पट्टी कमेंट पट्टी विच अपने विचार रखो तां जे असी तुहाडे सुझावां तो प्रेरणा लै सकीए। अमृतपाल सिंह ने तीन वीडियो, दो वीडियो ते एक आडियो हुण तिकन रिलीज़ कीतियां और तिन्ना विच उसने बड़े सूझवान दे रूप विच अकाल तख्त दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी नूं संबोधित कीता। जेड़ा उसने संबोधित किया वो एक दिशा निर्देशक दे रूप विच किया। वो अकाल तख्त दे जथेदार साहब नू राजसी अते धार्मिक दोनों सेधां दे रहा है कि तुसी इस प्रकार हुण सिख कौम नू दिशा दिओ। कि कोई एक व्यक्ति अकाल तख्त नू अजेही दिशा दे सकदा, क्योंकि ये जो तीन वीडियो आई हैं ये वीडियो जदों लुकिया छिपिया होया अंडरग्राउंड होया होया जा जिवें कि उहदे पिता ते वकील कह रहे हैं कि वह पुलिस दे कब्जे विच है, जे वह पुलिस दे कब्जे विच है फिर तां ये पुलिस दियां एजेंसियां दियां मैनोपुलेट कीतियां होईयां तीनों, दो वीडियो अते एक ऑडियो है जिस विच वो ना तां केंद्र सरकार ते कोई हमला कर रहा, वो ना वो केंद्र दियां एजेंसियां दी निंदा कर रहा, ना वो केंद्र दे होम मिनिस्टर अमित शाह बारे कोई विचार दे रहा। तो ये इन्हियां साफ सुथरियां वीडियो ते आडियो कढ़न दा उहदा परपज़ एक ते ए है कि जिस वेले वो अपने निज बारे गल करदा तां वो कहिंदा मैं 20-20 किलोमीटर तुरदा और मैं भुखा पाणा भी रहिंदा, कई वारी रोटी नहीं मिलदी ते मैं जल पाणी छक के भी विश्राम कर लैंदा सो जांदा। ये जो लोकां नूं एक विक्टम दे रूप विच पेश करके नौजवान बच्चियां दियां धार्मिक भावनावां दा वो शोषण कर रहा है अते उन्हां नूं अपने नाल जुड़न दे यतना विच हले भी वो जारी है। उसने अंडरग्राउंड रह के भी जो उसका पहला प्रोग्राम सी उस पर कार्ज हुण समय समय वीडियो ते ऑडियो राही आरंभ दिता। जेकर वो कमज़ोर लग्या जां कोई लोगों ने कहा भी वो मूँह ते सोजश है तो उसने उसका जवाब दे दिता कि मैं 22-22 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर रोज़ तुरदा। तो किथे तुरदा है इस बारे ना तो पंजाब की पुलिस नू पता है ना ही ये केंद्र दियां एजेंसियां नू पता। सो इत्थे
एक गल दसनी हुण जरूरी है कि जिहड़ी उसकी हुण कल आडियो आई है वो 6 मिनट 20 सैकंड की है। उहदे उपर उहने अकाल तख्त दे जथेदार नूं जिथे सीध दित्ती है उत्थे उहनूं इह भी चेतावनी दित्ती है कि जेकर वो सरबत खालसा करांदा है और नवीं उहदी डायरेक्शन यह है कि अकाल तख्त साहब तो खालसा वहीर कढ़ी जाए तो उस नूं सीधा तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साहबों 14 अप्रैल नूं विसाखी वाले दिन पहुँचाया जाए। अकाल तख्त तो चली खालसा वहीर दमदमा साहब तख्त ते जाके जदों संपूर्ण होएगी तां एक वहीर जो सुनेहा देगी वो दो तख्तां नूं जोड़न दे विच सारा धार्मिक ते सिख सियासी सुनेहा होएगा। जो अगर इस तरह खालसा वहीर जिहड़ी जथेदार साहब ने अनाउंस कीती हुई है कि पिंड पिंड कस्बा कस्बा शहर शहर जो कढ़नी है उस नूं उहने कहा इन्हां छोटियां वहीरां खालसा वहीरां का कोई फायदा नहीं। अगर जथेदार जी उस दी इस गल नूं मन के अकाल तख्त तो दमदमा साहब खालसा वहीर कढ़दे हन तां उस दा असर यह होएगा कि कौम नूं धार्मिक लीडरशिप अमृतपाल सिंह दे रहा ना कि अकाल तख्त दे जथेदार साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी। इस नाल जुड़दा ही उसने सुनेहा पंजाब दे पिंडां दीआं पंचायतां नूं भी दिता। उसने ये कहा कि पिंडां दीआं पंचायतां रेजोल्यूशन पा के अकाल तख्त नूं भेजण के खालसा वहीर कढ़ी जावे। सो ये जो उसकी दोहरी नीति है कि वो इन्हां वीडियो राही भी सिख संगतां ते पिंडां दे नौजवानां नूं एक नवां राह दस रहा है ते उहनां नूं फॉलो करन लई पंचायतां नूं भी दिशा निर्देश दे रहा। कोई पूछ सकता है कि उस नूं सिख कौम दा लीडर किसने थापिया। सो गल इत्थे नहीं, उसने अकाल तख्त दे जथेदार उपर जो सियासी हमला कीता उस विच उन्होंने कहिंदा है कि तुहाडी प्रीख्या का समा है जिवें मेरी प्रीख्या का समा है। यानी अकाल तख्त दे जथेदार नूं अपने नाल मुकाबले च रख के दोनों की प्रीख्या का समा दसदे होए सियासी गल की कह रहा है। सियासी गल ये कह रहा है कि ये जथेदार साहब तुहाडे लई ये बड़ा चंगा मौका है कि तुसी परिवारवाद दे पक्ष का जो तुहाडे ते दोष लगा होया उस तो भी मुक्त हो जाओगे। यानी श्रोमणी अकाली दल बादल नूं भी अकाल तख्त वालों एक चोट मारन लई एक दिशा निर्देशन अमृतपाल ने कीती है। तुसी जदों वो अपने वाले गल करदा तो वह कहिंदा है भी हले मैं अंडरग्राउंड हाँ पर मैं प्रगट होवांगा। ये प्रगट शब्द जो है ये वड्डियां धार्मिक ते अवतारां नाल जुड़िया होंदा है कि प्रगट होए। मैं इत्थे ना नहीं लैना चाहुंदा पर तुसी सोच सकदे हो कि कौन प्रगट होया ते सारे दुनिया विच जेड़ा
मिट्टी धुंद ते जग चानण होया, इस शब्दावली का जिहड़ा वर्ताव कर रहा अपने आप नू ओ एक सिख अवतार दे रूप विच भी पेश करना चाहता। ये उसकी सब कॉन्शियस तो अचेत मन चो दिता होया बयान है। वो इत्थे भी सुरखरू नहीं होया, वो इस तो भी अगे बढ़ गया कि जेकर मैं इस समय अंडरग्राउंड हाँ तो तुहानू ये सोचना चाहिए कि गुरु गोबिंद सिंह जी भी आनंदपुर साहब का किला छड़ गए ते उत्थों चमकौर साहब आ गए सी ते लोकां ने उन्हां दा कोई बहुता स्वागत नहीं किया सी। यानी जिथे वो अपने आप नू प्रगट होना कहिंदा उत्थे वो अपने पुलिस दे घेरे विचों भज जाण नू गुरु गोबिंद सिंह जी दे आनंदपुर साहब किले नू छड़ के चमकौर साहब वल बहीर कत्तण नाल उस दा मुकाबला करदा। ए वो अपने रूप नू नवे मखोटे विच पा के सिख संगतां नू सिख नौजवानां नू ये दस रहा है कि जो कुछ वो कर रहा है वो किसी भी सिखां दे इतिहासक हस्ती धार्मिक हस्ती तो घट नहीं हैगा। हुण ये सारी गल नू जदों तुसी देखोगे कि अमृतपाल सिंह चाहता की है, अमृतपाल सिंह ये चाहता है कि सिख कौम का सर्वोच्चतम जो संस्था अकाल तख्त साहब जेड़ी मीरी ते पीरी दोवां दी मालक है उस दा दिशा निर्देशन हुण ओ करना चाहुंदा ते उसे प्रकार वीडियो बना के वो पा रहा है और उस विच वो जो गल्लां कर रहा है वो जिथे धार्मिक भावनावां नूं टूंबदियां हन उत्थे वो सियासी सेध भी देंदियां हन। ते ए मन लेना चाहिदा है कि जिहड़ियां उस दियां वीडियो इस वेले पंजाब विच वायरल हो रही हैं, घर घर डिस्कस हो रही हैं, सिख पंथ विच भी डिस्कस हो रही हैं ते सिख पंथ दे विरोधी भी नूं डिस्कस कर रहे हैं, उन्हां विच वो अपने आप नूं सब तो उपर रखता। इसनों असी कह सकते हैं कि उसनों सैल्फ राइटियसनैस स्वयं उचता का भी अभिमान है कि अज तक सिख कौम विच कोई अजिहा लीडर नहीं होया, चाहे वह ये कहिंदा नहीं पर उसकी जो निशा दर्शेशन की सेध दसदी है वो ये दसदी है कि इस भावना विचों ही हुण वो अकाल तख्त दे जथेदार नूं भी रस्ता दिखा रहा। उन्हूं ये भी पता है कि अकाल तख्त दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक दे प्रधान एडवोकेट रजिंदर सिंह धामी जी, श्रोमणी अकाली दल बादल उबरीक सुखबीर दे प्रभाव अधीन हैं। बहुत सारे फैसले जो इन्हां दो संस्थावां दे मुखियां वालों ले जांदे हैं वो एक किया जांदा है ते दस्या जांदा है कि जो सुखबीर दी मंशा ते मिशन हुंदा है उहदे अनुकूल ले जांदे और श्रोमणी अकाली दल सुखबीर नूं जो कि बहुत इस वेले गिर चुका है लोगों के मन चों उसनू मुड़ सुरजीत करन दे यतना दी प्रक्रिया नू दर्शाउंदे। सो ये जो तीन वीडियो दो वीडियो ते एक ऑडियो आई है इस नाल एक ते अमृतपाल सिंह ये स्थापित करना चाहता है
कि वो अपनी मर्जी नाल अंडरग्राउंड होया होया। दूसरा, उस दे वकील ने जो उस दिया हैबी कॉर्पस पटीशन पाई हुई है, इना तीन वीडियो नू जदों अगली पेशी ते एडवोकेट जनरल पंजाब रखन गए उना दे सामने हाई कोर्ट दे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे बेंच अगे, तां ओ कहणगे कि वो तां भगोड़ा है ये वीडियो नू दिया, वो आप कह रहे हैं, और एदा असर ये होएगा कि जिहड़ी हबीस कॉर्पस पटीशन उस दे वकील ने पाई हुई है उसनू हाई कोर्ट हो सकता है कि इन्हां वीडियो दे आधार ते इनफ्रैक्चुअर्स कर दे, यानी कि उन्होंने व्यर्थ ते बिलोड़ियां करार दे दे, क्योंकि ये वीडियो ये सिद्ध कर रही हैं कि अमृतपाल सिंह भजया होया अपनी मर्जी नाल अंडरग्राउंड जीवन जी रहा है, और अंडरग्राउंड रह के भी वो धार्मिक ते सियासी जीवन दे फैसलियां लई सिख कौम नू ते सिख संतावां नू प्रेरित कर रहा है। यानी कि जे अंत विच ये कह दिए कि अज कल अमृतपाल सिंह अंडरग्राउंड होके दिशा निर्देशक दा नवा उसने अपना स्वरूप बना लिया, और जिस विच वो हुण जो चाहुंदा है कि वो करेगा, श्री अकाल तख्त साहब दा जथेदार जी ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, जद उसने सुखबीर बादल उपर भी अटैक करता, श्रोमणी अकाली दल सुखबीर उपर भी अटैक करता, और अकाल तख्त दे जथेदार साहब नू इस पक्ष तो दागी भी करार दिता उन्हें कि ये एक पक्षी हन ते परिवारवाद नू पालदे हन, ये जो परिवारवाद नू पाल रहे हन इस तो मुक्ति कराण लई उन्हां नू ये कहिंदा कि तुसी अपनी आत्मा दी आवाज सुनो, ते बादल परिवार तो हुण तुसी खेड़ा छड के कौम दी सेवा विच लग जाओ, ते कौम दी सेवा दा जो सियासी ते धार्मिक दिशा है वो देगा अमृतपाल सिंह जिहड़ी वो दे रहा। सो इस चर्चा नू खत्म करन तो पहले आखिरी गल ये कहना चाहते हाँ कि अमृतपाल सिंह दा टीचा है खालिस्तान, सिख सावरन स्टेट, की ये अकाल तख्त दा भी है ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा भी है। इस उपर जो विचारक कन्फ्रंटेशन है, यानी कि उन्हां दी ते अमृतपाल सिंह दी ये पॉलिटिकल सियासी जो डिफरेंस है बखरेवे हन, कि ये आने वाले समय च एक हो सकते हैं अमृतपाल सिंह दी विचारधारा ते जा नहीं, इन्हां दा जवाब अकाल तख्त दे जथेदार साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ही दे सकते हैं, जां दूजे नंबर ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान हरजिंदर सिंह धामी जी दे सकते हैं। सुखबीर बादल तां अपना विचार दे चुके हैं कि पंजाब दे वारस उन्होंने कहा कि असी हाँ श्रोमणी अकाली दल। सो पंजाब दे दो वारशां दे क्लेमेट्स दी भी सियासी यानी कि राजनीतिक ते धार्मिक लड़ाई है। पंजाब दी विरासत विच सिर्फ धर्म नहीं आंदा, यानी सिख सभ्याचार
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ